गुड मॉर्निंग गाइस, तो वेलकम बैक टू रिचा एंड सौरव वर्ल्ड। तो आज मैं सुबह सुबह नहा के रेडी हो चुका हूँ, मेरा ऑफिस चल रहा है और रिचा मैडम वो तो अभी तक ना मतलब उठ रही है, उसके तो छुट्टियाँ चल रही है, तो मैं उसके लिए गर्म पानी ले जाता हूँ। तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पर रख लिया हुआ है। तो सुबह के मैं आपको टाइम दिखा दूँ, 9:10 हुए हैं और मैडम जी अभी भी सो रहे हैं आराम से। तो आज हम सोच रहे हैं कि जाके क्रिसमस ट्री की सजावट कर ली जाए। तो गुड मॉर्निंग, लो दी पानी। तो गाइस आज देखो सूर्य देवता जी बाहर निकले हैं, कम से कम पूरे हफ्ते 7-8 दिन के बाद। इतना अच्छा लग रहा है ना, तो, सन को देख के आज। हाँ तो हमारा तो एक ब्लेस्ड है कि एकदम से उठते ही है ना, सबसे पहले सूरज की रोशनी हमारे मुंह पे सीधे आती है, तो सबसे बेस्ट है ये चीज। और पता चल जाता है कि आज बाहर का सिचुएशन कैसा है। हाँ मतलब ऐसा नहीं कि बाहर ठंड नहीं है, अगर मैं आपको नीचे दिखाऊँ ना तो ग्रास के ऊपर काफी व्हाइट हुआ पड़ा है, हमारी गाड़ी के ऊपर भी वहां पर ना हल्का व्हाइट हुआ है, तो वो मतलब बर्फ जैसे थोड़ा सा माहौल है ऐसा, मतलब ठंड बहुत है। हाँ ये तो देख सकते हो कंबल रजाई सब उसने ऊपर ही लेके रखा हुआ है। पानी को ऐसे गर्म किया हुआ ना तुमने, तो यार गर्म पानी पीना तभी तो फायदेमंद होता है। सो वी आर एक्साइटेड टुडे बिकॉज हम लोग अपना क्रिसमस ट्री फाइनली डेकोरेट करेंगे, क्योंकि हमें टाइम नहीं मिला था कल डेकोरेट करने का। और जैसे ये थोड़ा फ्री हो जाता है, थोड़ा मैं भी अपना काम निपटा के एंड देन शाम तक हम लोग डेकोरेट कर लेंगे आज। हाँ। और क्या प्लान है आज की? और मेरे को कुछ क्रिसमस गिफ्ट्स आए हैं मेरे ऑफिस से जो मुझे आप लोगों के सामने ओपन करने हैं, लाइक जो आए हैं। एक्साइटमेंट तो देखो, क्रिसमस गिफ्ट्स आए हैं। तो यहाँ पे सूर्य देवता जी है और सौरभ बैठ के थोड़ी धूप लेने विटामिन डी, लेकिन हाँ। और एक चीज हमें गाइस बहुत बार ना पूछी जा रही है अभी रिसेंटली, कि यूके का सिचुएशन क्या है। अभी लोग जैसे आ रहे हैं जनवरी इनटेक के लिए, बहुत सारे कपल्स आ रहे हैं नई जॉब्स को लेके, तो सिचुएशन क्या है, लॉकडाउन हो रहा है नहीं हो रहा है? सौरभ कल पूरा दिन मतलब हर दिन ये न्यूज में अपडेट रहता है, तो अभी का सिचुएशन क्या है, करंट सिचुएशन? देखो डेली के ना 90,000+ केस आ रहे हैं यूके में, तो नंबर तो काफी अच्छे नहीं है, मतलब बहुत बढ़ गया है एकदम से, और उसमें से ओमनी वेरिएंट के जो केसेस है ना वो भी बहुत इंक्रीज हो रहे हैं। अच्छा, बट अभी गवर्नमेंट ने क्या किया है, एक फाइनल स्टैंड लिया है कि क्रिसमस तक तो कोई लॉकडाउन नहीं है, ये श्योर है। अच्छा, ये तो श्योर कर दिया है, और बोला है कि क्रिसमस के बाद वो वापस से इसको सेस करेंगे कि क्या सिचुएशन है। वो देखना चाहते हैं कि ओमनी वेरिएंट के केसेस सीरियस है कि एक नॉर्मल जैसे फ्लू की तरह ही आ रहे केसेस। ओके, और इसका चांस कि लॉकडाउन हो भी सकता है, ऐसा नहीं है, बट दिस लॉकडाउन विल नॉट बी लाइक के पूरे पूरे जैसे 6-6 महीने वाला लॉकडाउन है। इसको बोल रहे हैं कि वो 2 हफ्ते का लॉकडाउन लगाएंगे जस्ट ये केसेस को कम करने के लिए। राइट, इट इज नॉट सीरियस कि आप मतलब अगर प्लान कर रहे हो तो ये मत सोचो कि आपको इसके लिए रोकना है, आप आओ, डेफिनेटली आओ यहाँ, और मास्क वगैरह पहन के रखो, अपनी सेफ्टी रखो कि आप ज्यादा लोगों से नहीं मिलो, आप आके आराम से अपना अगर कोई प्लान है स्टूडेंट हो या जो भी है। और दूसरा यहाँ पे ये हो रहा है कि यहाँ पे बूस्टर लग रहा है, तो वो प्लीज जल्दी जल्दी हो सके वो लगवाओ। नहीं, यहाँ पर वीकेंड में 1.5 मिलियन मतलब 15 लाख लोगों को बूस्टर लग रहा है एक एक दिन में, तो मतलब गवर्नमेंट बहुत एक्टिवली सबको बूस्टर लगा रही है ताकि अगर कोई कोविड का जो भी केस है ना उसके अगेंस्ट भी आपको प्रोटेक्शन पूरी मिल सके। हम दोनों ने लगवा लिया गाइस, आप भी अपना लगवा लीजिए अगर आपने अभी तक नहीं लगवाया, अगर आप यूके में भी रह रहे हो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी नेसेसरी, क्योंकि हम लोग जैसे अभी फेस्टिव सीजन चल रहा है यहाँ पे, स्पेशली जैसे कि इंडिया में दिवाली होता है, इट्स लाइक अ क्रिसमस इन लंदन और एनी फॉर कंट्री, उस हिसाब से हमें लगता है कि अगर आप बाहर भी निकल रहे हो, और ऑब्वियसली मन भी करता है जाने का बाहर। तो ये था आज का छोटा सा हमारा इन्फॉर्मेशन। एक और अपडेट है कि इजराइल ने तो सबको चौथा शॉट देना भी शुरू कर दिया है। इज देयर एनी फोर्थ शॉट एज वेल? हाँ, तो बेसिकली कह रहे हैं कि वहाँ पे डेथ रेशियो बिल्कुल ही जीरो हो गया है फोर्थ शॉट देने के बाद। वेल डन यार, मुझे नहीं पता था ऐसा कुछ मतलब है। इसराइल में अभी मिस यूनिवर्स भी हुआ था एंड हमारी इंडिया की मिस यूनिवर्स बनी है, सो प्राउड ऑफ हना संधू, वो पंजाब की है, चक्रे बट्टे। तो गाइस अब मैं अपना ऑफिस का काम शुरू करता हूँ, 9:15 हाँ, और मैं अपना पानी नहीं मैं अपना पानी पी के थोड़ा बहुत ब्रेकफास्ट रेडी करूंगी एंड देन वील प्लान आर डे। तो गाइस आज हमने बनाया है वेजिटेबल कटलेट्स काइंड ऑफ थिंग, ये हम अभी इसको इसके अंदर ऐड करेंगे मिक्स सैलड के अंदर और एक हेल्दी लंच करेंगे। गाइस 4:45 हो गए हैं अगर आप देखो, और मैं अगर आपको बाहर का ना टाइम दिखाऊं, मेरा वहां पे काम चल रहा है, तो यहाँ पे देखो
अंधेरा होना शुरू भी हो गया है. इट्स गोइंग टू बी डार्क वेरी सून, 15-20 मिनट में. और ठंड बहुत ज्यादा है बाहर और ये है ऐसा कुछ माहौल. तो लंच हम सौरभ को दे आते हैं, वो वैसे कॉल में है, बट लेट्स सी. So you are not able to do any implementation until or improve in your area until. Joy, ये रहा मेरा lunch and we'll enjoy lunch and हाथ में करेंगे video का थोड़ा सा काम. तो guys अभी time है Christmas tree लगाने का. जो काम सारा खत्म कर लिया है तो हाँ तो सजावट के time में. हाँ guys अभी मतलब आज काफी late हो गया, 7 बज गए थे. हम लोग थोड़ा चाय वगैरह पीने लग गए थे, दर्द होने लग गया था. तो अभी हम इसको करते हैं डेकोरेट. आई एम सुपर एक्साइटेड. पहले ओपन तो करें. और मैंने तो अभी रेड जैकेट भी पहन ली है क्योंकि मैंने इसको लगा मैं रील बनाऊंगी इंस्टाग्राम की. तो गाइस प्लीज इंस्टाग्राम पे मैं फॉलो कीजिए रिचा एंड सौरव वर्ल्ड इंस्टाग्राम पेज पे. तो मुझे तो मतलब ठीक ठाक ही लग रहा है क्रिसमस ट्री. ये दो क्यों भेज दिए इन्होंने? ये तो वो करते नहीं है, झाड़ पूंज नहीं करते जो बाबा होते हैं किसी का फांडा फूंडा करना. उड़ 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 ये अलग अलग क्यों दो है? अरे ये ब्रांचेस होंगी दो अलग अलग, तो हमें इसको जोड़ना पड़ेगा. तो गाइस ये जोड़ना ही, इस पे टाइम लगेगा और फिर डेकोरेशन का सामान लगाना है साथ में. यार ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है. नहीं नहीं कंफ्यूजिंग नहीं है. जब तक मैं ये खोल रहा हूँ ये देखिए यहाँ पर मैडम जी रेड कपड़े ड्रेस में पूरी तैयार भी हो गई है. मतलब रेड ड्रेस किसको दिखानी है? सेंटा क्लॉज के ऊपर मैं जैकेट पहनी है, मेरे को फील आनी चाहिए. तो पहले बता टोपियां भी निकाली, अभी तो ये पेड़ सजाया नहीं है और टोपियां भी डाल ली है, लाइटें भी निकाल ली है. तो पेड़ सजाने के लिए तो निकाली है ना, ये हमारी पुरानी क्रिसमस की टोपियां जो हम हर साल यूज करते हैं. हर साल हम लोग घर में पार्टी करते हैं. पिछले साल तो हम इंडिया में थे इसलिए कुछ कर नहीं पाए. हाँ. और इस साल हम फिर से कोशिश करेंगे कि हम लोग छोटा सा पार्टी करें घर पे. okay. और ये हमारा सारा डेकोरेशन का सामान है जो हम ऑलरेडी लेके आए थे जब पिछली बार खरीदने गए थे. हाँ. तो अभी हम फटाफट सजा लेते हैं इसको. की मेहनत के बाद हमारा ये क्रिसमस ट्री रेडी हो चुका है. भाई साहब बहुत बड़ा हो गया ये तो. अच्छी बात है ना, कभी बड़ा भी फील नहीं करना चाहिए. ये बेचारा सही से बना नहीं, अभी भी हिल रहा है, डांस कर रहा है. ये नीचे से तो सेट नहीं है. तुमने सेट करने नहीं दिया मुझे. करो करो फटाफट, फिर लाइटें लगाएंगी. अभी कंफ्यूजन इस बात की है कि उसको उस कोने में लगाए, यहाँ पे रिंग लाइट है कि इस कोने में लगाए. मुझे लगता है सौरभ इसमें सही रहेगा, वहां पे ना वो अटकेगा. यहाँ पे हाँ इधर ही लगाओ इसको. हाँ. थोड़ा सा साइड पे कर दो आगे. किसको जी? हल्का सा आगे करो ना, थोड़ा प्रॉपर रखो ना. ओके, ये लो, ये लो. हाँ यहाँ पे कनेक्शन भी मिल जाएगा लाइट्स का आराम. हाँ, से उसको तो यहाँ पर भी लाइट लगेगी. हाँ, और एंटर करते ही लाइट भी दिखेगी. यो यो बेबी यो. तो यहाँ पर रिचा कर रही है डेकोरेशन. हमारे पास सामान कम है और पेड़ हमारा बड़ा. सही बात है, हमने सोचा था कि हम छोटा पेड़ लेके आएंगे पर अभी क्या हुआ है कि बड़ा पेड़ हमने लेके आए हैं. पहला वाला पेड़ ना बहुत ज्यादा छोटा निकल गया था. तो यहाँ पर फुल ऑन डेकोरेशन चल रही है. हमने थोड़ी बहुत साज सजावट कर दी है. यार ऐसे मैंने अच्छा बनाया था डिजाइन, ये क्या बनाई जा रहे हो आप? इसके ऊपर लगाया ना अभी मैरी क्रिसमस वाला, वो लेके आऊंगी मैं. तो भाई अपनी एक लाइट सेट हो गई है, उसके अंदर सेल वेल डाल दी. हाँ ये तालियां. वैसे मैं लाइट बंद करके देखूं कैसा लगती है. Oh my God! It's looking very nice. My God! बट यार ये बकवास लग रहा है, ये हटा देते हैं. ये तो मैं खुद कह रहा हूँ. ये तो नजर पट्टे बन गए इसका. एक लाइट से तो बिल्कुल मंदी पड़ा. अब ये देखो ये कौन सी वाली. ये ऐसा ना हो जाए कि ज्यादा ही लाइट हो जाए, बस सारे सारे दिखे और वो पेड़ दिखे ही ना. क्या जाता है? चलो कर लो कर लो. ये पहली वाली लाइट लगा दी है और मेरे मना करने पे भी रिचा ने सेकंड वाली लाइट भी लगा दी है. तो मैं आपको वो दिखा देता हूँ. ऐसे लग रही है ऐसे. हाँ और ये देखिए मुझे एक्चुअली थोड़ी सी लाइट ज्यादा अच्छी लग रही है. तो ये अब भाई जो रिचा बोलेगी वही होगा, मेरा कहना तो माना नहीं जाएगा. लाइट लाइट हो गई है. मोदी जी के साथ में तुमने लगाए हुए हैं. तो मोदी जी प्लीज सी आवर क्रिसमस ट्री इज रेडी. हाँ मैडम जी आ चुके हैं. ये देखो गाइस ये मेरे मुझे ऑफिस से क्रिसमस के कुछ कलीग ने गिफ्ट भेजे हैं, जैसे मैंने उनको भिजवाए हैं तो वो लोगों ने मुझे भेजे हैं. अभी एक बड़ा डब्बा बचा है आना, वो अभी मेरे ऑफिस में ही है क्योंकि उसको मुझे कलेक्ट करना पड़ेगा गाड़ी में जाके. सो आई एम गोइंग टू ऑफिस.
और अगले एक दो दिन में, और फिर मैं वो अपना बड़ा वाला बैग जो है, बॉक्स जो है वो कलेक्ट करके आऊंगी। तो फिलहाल अभी मैं आपको दिखा देती हूँ, क्रिसमस ट्री के पास ही बैठ के दिखाऊंगी। मेरा टूट गया। ये क्या तोड़ दिया तूने? शिट यार, ये तो कैंडल तोड़ दी तूने। ये मेरा पहला गिफ्ट था जो टूट ही गया। तो कोई बात नहीं, ये कहते हैं कि कांच का टूटना शुभ होता है। Are you serious? I am serious. कांच का टूटना शुभ होता है। तो कैंडल थी, तो कैंडल टूट चुकी है। तो एक काम कर, उसका वैक्स बाहर तो निकाल के दिखा। भाई लग गया। हाय तू भाई, हाथ ध्यान से। तो एक काम करेगा, मैं आपको अपसे दिखा देता हूँ। तो ये कैंडल थी जो कि टूट गई है। ये इसको एक चॉकलेट का डिब्बा आया है, डेरी बॉक्स का, और एक वाइन है, और एक ये छोटे से गुडीज आए हैं जिसमें मुझे था थोड़ी सी चॉकलेट जैम। बट जो मेन था इसका कैंडल एक टूट गया है। तो कोई बात नहीं, कांच का टूटना हमेशा कहते हैं कि शुभ होता है, तो अच्छी बात है। कहते हैं कि कांच कोई ना आफत अपने ऊपर ले लेता है। हाँ, तो ये भी सोच के तेरे लिए अच्छा ही हुआ है। तो यहाँ पर सजावट के साथ साथ रिचा की सफाई की ड्यूटी भी लग गई है, क्योंकि जो पूरा का पूरा कैंडल उसका टूट गया था। तो शीशा उठाना बहुत ही, तो शीशा उठाना क्योंकि हाथ लग सकता है, चोट लग सकती है, तो वो सबसे पहले सफाई करनी पड़ रही है। वैक्यूम चला लेते एक बार ना। हाँ, एक बार वैक्यूम भी कर लेते ताकि वो सब साफ हो जाए। तो इसके बाद करेंगे फोटोशूट हम। ओहो, लगा तो नहीं? चल फिर बच गया है। तो भाई आप पहले सफाई कर लिया, वैक्यूम कर लेते हैं, फिर फोटोशूट करेंगे, फिर रील्स बनाएंगे। तो ये सारे गिफ्ट मैंने यहाँ पे रखे, कुछ फोटोशूट किया है, तो हमारे इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए। आराम से, और अब हम करने वाले हैं क्रिसमस की पार्टी। तो बस कल की वेट हो रही है पार्टी करने के लिए। तो अब क्या, कल की वेट नहीं हो रही है, अभी तो दो तीन दिन बाद है क्रिसमस पार्टी। ये पहले पहन के दिखाओ। अरे यार, ये लड़की ना कोई ना कुछ बदिमान करती रहती है। और फिर अब हम क्या करने वाले, बोलने वाले हैं, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर डिनर करेंगे। अभी ना हम लोगों ने डिनर पे क्या बनाया पहले वो दिखा देते हैं। लाइट ऑन करो। कुछ बनाया भी है, उसको तुम्हारे लिए सरप्राइज है। तुमने क्या बोला था आज सुबह खाने के लिए? काले चने। तो वही बनाए हैं मैंने। काले चने बने हैं, काले चने बने हैं। हाँ, तो आज हम काले चने के साथ रोटी खाएंगे, और साथ में सैलेड, बिग बॉस देखेंगे, और साथ में वो क्या शार्क टैंक इंडिया देखेंगे। तो इसी के साथ मैं अपनी क्रिसमस ट्री को और अपने गिफ्ट को लेकर एंजॉय करूंगी। इसको भी मैं छोड़ी। ये पागल हो गई है ये लड़की, पागल हो चुकी है। तो अभी गाइस, मैरी क्रिसमस टू यू गाइस एंड योर फैमिली, एंड बस ऐसे ही फेस्टिवल सीजन को एंजॉय कीजिए, और छोटी छोटी चीजों को, मूवमेंट्स को एंजॉय कीजिए, और लाइक शेयर सब्सक्राइब। बाय गाइस, लव यू।